कार्यालय को यही ना देखते हैं? आ नहीं तो अभी तक चीफ सेक्रेटरी का तो लंबा चौड़ा भाषण हो ही रहा था, तो वो कहां ध्यान दे रहे? तो चीफ सेक्रेटरी को देखना ना चाहिए भाई, काहे नहीं देखते? खाली यहाँ पर भाषण आप दे रहे थे, आप पूरा बता रहे थे, अपना कहानी बता रहे थे और दूसरों के बारे में कह रहे थे, सुन रहे थे, तो काहे तीन खाली? ये कोई तरीका है? ये सब एक एक चीज को देखना चाहिए। हमको आज बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं 5 दिन के अंदर ये सब काम को पूरा कर दीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमको तो कभी कभी लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा और हम चाहते हैं कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग को सुपुर्द करें। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार लोक सेवा आयोग के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम का सीएम ने उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि अभी मुख्य सचिव यहाँ भाषण कर रहे थे, बीपीएससी में 3 मेंबर का पद आखिर खाली क्यों है? तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इसके पहले तो इसके बारे में कोई बात नहीं कभी किया था। आज तो पहली बार जब आपका 2-3 दिन पहले सूचना मुझको मिली तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 75वां साल हुआ और आप सब लोगों ने बता ही दिया है कि भाई ये तो यहाँ पर बन गया था बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 में। अब उसके बाद तो शुरू में एक एक रहा वो वहां पर रांची में, लेकिन उसको फिर 1 मार्च 1951 से पटना में लाया गया और तब से ये चल रहा। अब पहले तो आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते थे, लेकिन बिहार झारखंड जब अलग हो गया तो 200 से अब 1 अध्यक्ष 6 सदस्य होते। लेकिन आज जो हमने देखा कि 6 सदस्य नहीं, हम तो बराबर जानते थे लेकिन पता नहीं, हम तो इसीलिए हम तुरंत हमने दीपक कुमार जी को बुला करके कहा कि ये बताइए कि अभी मात्र इनसे हम पूछे कि अब आपके मात्र 3 ही सदस्य भी हैं, 6 सदस्य क्यों नहीं? तो कुछ लोग रिटायर कर गए। तो भाई इसमें तो नहीं होना चाहिए, इसके पहले तो हम लोग बराबर देखते रहते थे कि 6 सदस्य हैं तो 6 सदस्य होना चाहिए, तो 3 बचा हुआ। भाई देखिए तुरंत 3 बाकी लोगों का जो होना है मनोनयन तुरंत करवाइए, देर मत करिए, ये कोई अच्छी बात है? अब आप सोचिए ना, इनको कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। अब बोलिए ना, 18 साल से आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर 24,301 नियुक्ति हुई थी अभ्यर्थियों की, आ इस बार इनको क्या करना है? 45,892 पदों पर उसकी कार्रवाई चल रही है। अब भला सोच लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि इतने बड़ी संख्या में इनको करना है, आ इनका पद खाली रहेगा साहब? हम तो इसलिए कह रहे हैं तेजी से होना चाहिए, बहुत दिन पहले तय कर दिए थे हम लोग ये समूचा जो है। तो ये जितने हेडमास्टर साहब सब थे, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और प्लस 2 स्कूल, तो हम पूछ रहे थे कि भाई देरी काहे के लिए हो, उन्हीं को दिया हुआ, हम लोगों ने कहा कि भाई वही करेंगे, वो सबसे अच्छा है। अब 3 खाली है, देखिए अब ये अगले 5 दिन के अंदर ये सब काम कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और तेजी से ये सब काम हो जाए। हम एक बार कहेंगे आपसे कि काहे नहीं आप ये जो कहते हैं, ये किसी तरह से भी कोई तरह की भी दिक्कत होती है, भाई आप ये देख लीजिए। आप तो अतुल कुमार जी, आपको किस आधार पर हम लोगों ने क्या सोच करके कहा कि आप रहिए? आपसे बड़ी उम्मीद न है, यहाँ पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, सब पर बहुत उम्मीद न थी, और तभी ना हम इस काम को करते रहते हैं जी। पहले कौन आते थे कौन नहीं आते थे, और जब से हमको काम करने का मौका मिला है और उसके बाद ही से ना हमने करना शुरू किया। जो हमारे सीनियर IAS अफसर
वैसे लोग अब रिटायर कर हम सके नहीं, इन्हीं को ला करके वहां पर रखेंगे। और वहां पर आकर के जितना कम ही समय उनको मिलता है लेकिन फिर भी सारा काम देखते हैं और अन्य सारे महत्व ना, इनको कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। अब बोलिए ना, 18 साल से आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर 24,301 नियुक्ति हुई थी अभ्यर्थियों की, इस बार इनको क्या करना है, 45,892 पदों पर उसकी कार्रवाई चल रही है। अब भला सोच लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि इतने बड़ी संख्या में इनको करना है, आ इनका पद खाली रहेगा साहब? हम तो इसलिए कह रहे हैं तेजी से होना चाहिए, बहुत दिन पहले तय कर दिए थे हम लोग ये समूचा जो है। तो ये जितने हेडमास्टर साहब सब थे, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और प्लस टू स्कूल, तो हम पूछ रहे थे कि भाई देरी काहे के लिए हो, उन्हीं को दिया हुआ, हम लोगों ने कहा कि भाई वही करेंगे, वो सबसे अच्छा है। अब तीन खाली है, देखिए अब ये अगले 5 दिन के अंदर ये सब काम कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और तेजी से ही सब काम हो जाए। हम एक बार कहेंगे आपसे कि काहे नहीं आप ये जो कहते हैं, ये किसी तरह से भी कोई तरह की भी दिक्कत होती है, भाई आप ये देख लीजिए। आप तो अतुल कुमार जी, आपको किस आधार पर हम लोगों ने क्या सोच करके कहा कि आप रहिए? आपसे बड़ी उम्मीद न है, यहां पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, सब पर बहुत उम्मीद न थी, और तभी ना हम इस काम को करते रहते हैं जी। पहले कौन आते थे, कौन नहीं आते थे, और जब से हमको काम करने का मौका मिला है, और उसके बाद ही से ना हमने करना शुरू किया। जो हमारे सीनियर IAS अफसर, वैसे लोग अब रिटायर कर हम सके नहीं, इन्हीं को ला करके वहां पर रखेंगे। और वहां पर आकर के जितना कम ही समय उनको मिलता है लेकिन फिर भी सारा काम देखते हैं, और अन्य सारे महत्वपूर्ण लोगों के बहाली के लिए सब हम लोगों ने किया है कि सब लोग ठीक से रहें, एक एक तरह का काम करें। तो ये सब सोच करके जो हम लोग किए हुए हैं, तो अगर जरा भी कोई समस्या हो, कृपा करके कहीं से भी आपको लोक सेवा आयोग में किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई समस्या आ जाए, आप कृपा करके सरकार को सूचित कर दीजिए, तुरंत इनको खबर कर दीजिए, दीपक जी को तुरंत, ताकि वो हमारे कार्यालय को यही ना देखते हैं। आ नहीं तो अभी तक चीफ सेक्रेटरी का तो लंबा चौड़ा भाषण हो ही रहा था, तो वो कहां ध्यान दे रहा, तो चीफ सेक्रेटरी को देखना ना चाहिए भाई, काहे नहीं देखते? खाली यहां पर भाषण आप दे रहे थे, आप पूरा बता रहे थे, अपना कहानी बता रहे थे और दूसरों के बारे में कह रहे थे, सुन रहे थे, तो काहे तीन खाली? ये कोई तरीका है? ये सब एक एक चीज को देखना चाहिए। हमको आज बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं 5 दिन के अंदर ये सब काम को पूरा कर दीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमको तो कभी कभी लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा और हम चाहते हैं कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग को सुपुर्द करें, और ज्यादा चीजों को कमी, पहले कुछ और लोगों के लिए बना दिए हैं, अब कितना देर लग रहा है, तो काहे नहीं फिर कर दें? और अगर आवश्यकता हो और कानून के मुताबिक वो सहमत हो तो हम लोग इनकी और सदस्यता बढ़ा दें,